जुलाई की आज 2 तारीख है और बरसात का मेरे यहाँ कहीं नामो निशान नहीं है। बट इंतज़ार बस हो रहा है, देखो कब आती है बरसात। और बरसात में कई सारे काम जो करने ज़रूरी होते हैं, जैसे कई पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो उन्हें काट छाट देना चाहिए। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो मैं कई दिनों से, जैसे हमारे यहाँ बहुत काले घने बादल आते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी और फिर थोड़ी देर में तेज़ धूप आ जाती है, तो इसी चक्कर में मैं जैसे सोचती रहती हूँ कि अभी बारिश आएगी और मेरे पौधों को, टेरेस वाले पौधों को पानी मिल जाएगा। बट ऐसा फिर होता नहीं है और फिर मुझे जब तेज़ धूप होती है तो मजबूरी में फिर उसमें भी मुझे काम करना पड़ता है। तो आज खैर मैंने सुबह सुबह पानी दे दिया है और बहुत सुबह तो अभी नहीं है, अभी 9:45 होने जा रहे हैं, तो सोचा अभी टाइम है मेरे पास। तो नीचे जो गार्डन में ये ट्रम्पेट वाइन है, ये खूब सारी ये ऐसे फैली हुई है, तो इसकी काट छाट करना भी ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि काट छाट ज़रूरी है तो तभी करें, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इससे आप न्यू न्यू प्लांट्स बहुत इजीली कैसे तैयार कर सकते हैं। तो भले ही चाहे मेरे यहाँ मॉनसून अभी आया नहीं है बट होप तो बनी हुई है। ये देखिए पौधे कैसे ये जले जले हैं, मतलब फ्रेश नहीं नज़र आ रहे। तो बरसात आएगी उसमें फिर बात कुछ और ही होती है। तो बादल वगैरह तो खूब, अभी भी इस टाइम धूप कम है, बीच में तेज हो जा रही है। तो सिर्फ मैं ट्रम्पेट वाइन के बारे में ही नहीं बताऊंगी, आप कोई जैसे फ्रूट के पौधे होते हैं और ये अमरूद है हमारा, लीची वगैरह है, तो इनकी भी जो इनको भी इस तरीके से आप इनके न्यू प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो जब हम प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी ग्रो हो जाती हैं, कभी कुछ ग्रो होती हैं, कभी कुछ भी नहीं ग्रो हो जाती, और कभी सारी की सारी भी ग्रो हो जाती हैं। तो बरसात पे डिपेंड करता है कि अगर अच्छा मॉनसून हो और कटिंग्स जो हमने अच्छी मिट्टी में बनाई हो, मिट्टी जो बड़ी हार्ड नहीं होनी चाहिए तो चल पड़ती है, और भी जैसे कई सारे कारण होते हैं। चलो चलिए, इस डिटेल में इसमें मैं नहीं जाऊंगी। तो आज मैं दिखाऊंगी कि ट्रम्पेट वाइन को मैं किस तरह से इसके पौधा तैयार करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक टेरिस पे मेरा ये प्लांट हो। तो जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जो ये स्टेम नोड होते हैं, ये इस तरह से ये बीच बीच में ये आते हैं, मोटी जो गांठ बनी होती है स्टेम पे, ये ऐसे ये। और चाहे आप फ्रूट के प्लांट ले लो, किसी की भी जो कटिंग लगाना चाहते हैं, तो कटिंग नहीं हम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, तो ये मैंने काट दिया है, तो मैं ये मैंने दिखाने के लिए, ये देखिए ये जैसे इसमें ये रूट्स जैसे आ रही हैं, बरसात के टाइम तो खूब सारी इनमें रूट्स बनती हैं। तो हमने क्या करना है, कटिंग नहीं अभी हम लगा रहे, तो इसको क्या करना है, कोई भी अपने हेल्दी जो ये स्टेम ले लेनी है उसका हिस्सा, तो उसको क्या करना है, तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। तो ये मैं पहले इधर एक गड्ढा जैसे कर लूँगी इस तरह से, क्यारी की जैसे, ये क्यारी तो क्यारी में नहीं करना चाहते आप, जिस भी गमले में जहाँ किसी छोटे उसमें 10-12 इंची पोट में आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं, और बाद में खूब सारी रूट्स आ जाएं तो फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो कोई हेल्दी जैसी जो आपने स्टेम चुन लेनी है, कटिंग नहीं करनी है, पौधे के साथ ही लगी रहने देनी है। और ये मैंने ऐसे गड्ढा बना लिया, तो इसके बजाय आप गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरी क्यारी में लगी है तो मुझे सुविधा है, तो मैंने यही लगा दी है। और फिर ये हेल्दी जैसे ये मैंने इस तरह से ये चुन ली है, ये आगे की देख रहे हैं, तो इस तरह से चुन ली है, और इस तरह ये इसका हिस्सा ये देख रहे हैं ना, ये है और ये है, और ये इतना का हम दबा देंगे तो इसी में कहीं से रूट्स बन जाएंगी। तो ये मैंने देखा है, इसको जैसे हम वो करते हैं, इसको दाब लगाना बोलते हैं, ये दबा दिया हमने ऐसे इस तरह से ये मिट्टी में, और इस पे हम थोड़ा भारी जैसा, क्योंकि ये ऊपर को जा रही है बेल मेरी भारी है, तो इसमें थोड़ा ईंट पत्थर कुछ भी ये टुकड़ा ऐसे रख देंगे इस, ताकि ये उठे नहीं, मिट्टी में दबा रही, और ये इसको कहीं भी फिर लटका देना, आप चाहे छोटी भी ले सकते हैं, तो जितनी छोटी होगी उतनी ठीक है, और जब जड़ बन जाएगी तो ये पानी दे दिया, और जब जड़ बन जाएगी और फिर आप 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी, महीना भी लग सकता है, अच्छी बरसात हो
तो जल्दी बनती है, और मिट्टी ये मॉइस्ट ही होनी चाहिए, चाहे गमले में लगाओ चाहे कहीं भी आप लगाओ। ये भी जो है लेयरिंग होती है, बट ये एयर लेयरिंग नहीं, एयर लेयरिंग तो हम ऊपर कट करके लगाते हैं, ये हमने नीचे दबा दिए। तो जैसे फ्रूट के पौधे वगैरह भी आप ऐसे दबाना चाहें तो उनको थोड़ा सा इंजरी दे दें, जैसे कि हम छीलते हैं, तो बेलों का मैंने देखा है कि छीलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो वैसे ही बरसात में रूट्स जो आने लगती हैं तो इस तरह से दबा दी जाए। तो जैसे एयर लेयरिंग करते हैं तो आप उस तरह से भी छील के जो है स्टेम रूट जो होती है तो उसे दबा सकते हैं, तो इस टाइम बरसात के टाइम उन खूब अच्छे से रूट्स जो आ जाते हैं। तो मैंने बताया ना कि डिपेंड करता है मौसम कैसा है, तो और फिर पौधे पे भी डिपेंड कर, किसी की रूट्स जो जल्दी आती हैं किसी की थोड़ी लेट आती हैं। तो महीना रख लो आप, चाहे आप इसे 2 महीने दबा रखिए 3 महीने, तो इसकी रूट जो बनेंगी तो बेल वहीं पे फिर आपकी सेट रहेगी, और रूट्स के साथ फिर आप पीछे से काट के कहीं भी लगा सकते हैं। तो चाहे आपका मन करे आप सीधे बड़े पोट में भी इस तरह से मिट्टी में जो पोटिंग मिक्सचर बना के तो उसे दबा सकते हैं, और बाद में उसी में ही चलने दें और पीछे से बेल को कट कर दें। और अभी जब दबाना है तो बिल्कुल भी कट नहीं करनी है, बस बेल को खींच के मिट्टी में ऐसे ही दबा देना है। तो मैंने ये इसके बेल को ऊपर की तरफ कर दिया है, तो मेरा ख्याल है ये आप दाव लगाना इस तरह से सीख गए होंगे। तो ये हमारा दाव लगाना, लेयरिंग करना ये हो गया। तो इसमें आप कई सारे पौधे और जैस्मिन के पौधे भी इस तरह से इस टेक्निक से बना सकते हैं, और मैंने इस पे पहले भी वीडियो इस तरह के डाले हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो कटिंग्स लगाने के साथ साथ आप इस तरह का काम भी, लेयरिंग का काम भी आप कर सकते हैं।